देवघर के श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आश्रम में जल प्रबंधन को लेकर ऐसी मुहिम चलाई गई कि अब ये आश्रम बरसाती पानी को जमा करने का भी बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ वी वायर तकनीक के जरिए आश्रम की सड़कों पर बहने वाले पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के जरिए इकट्ठा किया जाता है। सत्संग आश्रम के परिसर में हर एक 50 फीट पर एक कुआं बनाया गया है। ऐसे 50 कुओं, 3 बोरवेल, 1 तालाब और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बदौलत न सिर्फ इलाके के भूजल स्तर में सुधार आया बल्कि 8-9 करोड़ लीटर पानी को जमा करने की क्षमता भी विकसित हुई। इससे आश्रम में रहने वाले 2,500 लोगों को गर्मियों में होने वाली पानी की किल्लत से छुटकारा मिला। यहाँ वाटर रिसाइकलिंग के जरिए रोजाना 20 घन मीटर पानी उपलब्ध रहता है। इसका इस्तेमाल किचन गार्डन के अलावा श्रद्धालुओं के बर्तन धोने में होता है। पानी की एक एक बूंद के सदुपयोग की इस मिसाल के लिए सत्संग आश्रम देवघर को बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर सक्सेसफुल कैंपस यूजेज की कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।